नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। योगी सरकार में आवारा जानवरों के हाल हुए बेकार। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में आया गाय का मासूम बच्चा हुआ घायल। जी हां, आपको बता दें, योगी सरकार की कार्यशैली को लेकर आज हम आपको दिखाएंगे जहां एक ओर 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके सांसद विधायक मंत्री चुनावी हथकंडे अपनाते हुए इस बार फिर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर पहली बार मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ ने गायों के संरक्षण को लेकर कई अहम वादे करते हुए जानवरों के उत्थान को लेकर सुरक्षित दावे किए थे, जो आज जमीनी तौर पर फेल होते नजर आ रहे हैं। जहां आज कस्बा पुखराया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो की चपेट में एक गाय का मासूम बच्चा आ गया, जिससे वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। वहीं पास में खेल रहे मासूम बच्चों ने तड़प रहे गाय के बच्चे को देखकर हल्ला मचाया, जहां कई लोग इकट्ठे हो गए। और वहीं दया भावना रखने वाले लोगों ने बजरंग दल के पदाधिकारियों व डॉक्टरों को फोन कर इस मामले से अवगत करा के आने के लिए कहा, जहां मौके पर आकर बजरंग दल के पदाधिकारी और पशु डॉक्टर की टीम ने घायल गाय के बच्चे का उपचार किया। अगर जमीनी तौर पर बात की जाए तो यह कोई गाय के मासूम बच्चे की कहानी नहीं है। आप लगातार कई जगह कस्बे नेशनल हाईवे के पास आवारा जानवरों को देख सकते हैं और ऐसी कई कहानियां प्रतिदिन होती रहती हैं। इसके बावजूद भी योगी सरकार के गायों को लेकर किए गए सभी दावे फेल नजर आ रहे हैं। आज हम आपको दिखाएंगे गाय के मासूम बच्चे की दर्दनाक वो तस्वीरें जो योगी सरकार को आईना दिखाएंगी। इंडियन प्राइम न्यूज के लिए कानपुर देहात से संवाददाता जंग बहादुर सिंह की खास रिपोर्ट। मेरा नाम उमंग मिश्रा है। अच्छा मिश्रा जी, एक बात बताइएगा कि आप भाजपा पार्टी के आप पदाधिकारी भी हैं, छोटा मोटा पद भी लिए हैं और आपकी सरकार जानवरों को लेकर प्रतिबद्ध है, गौशाला बनवाने की बात कर रही है, लेकिन यहाँ पर जानवरों की ये हालत है कि अभी पुखराया बस स्टैंड के अंदर एक चार पहिया गाड़ी ने छोटे से मासूम जानवर के बच्चे के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, इसमें क्या कहना चाहेंगे? मैं भाजपा का कोई पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार गौ रक्षा के लिए बहुत अच्छा कदम उठा रही है। हर जगह गौशालाएँ खुली हुई हैं। कुछ लोगों के व्यक्तिगत जानवर होते हैं जो छुट्टा छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है, सरकार अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रही है, परंतु ये उन लोगों की जिम्मेदारी पड़ती है जो जिनका गौवंश है, जो छोड़ देते हैं, उनका ख्याल रखें, उनके अपने घर पर रखें, चारा खिलाएँ। अब सड़कों पर छोड़ देते, सड़कों पर क्या खाएँगे, तो वाहन निकलते हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। हम लोगों की जिम्मेदारी है, जो भी जनता है उसकी जिम्मेदारी। जानवर रखते हैं, उसको छोड़ देना ये कहीं की समझदारी नहीं कह सकते। अच्छा, आप जिस तरीके बता रहे हैं कि हमारी सरकार जानवरों को लेकर बहुत नए नए कदम उठा रही है, लेकिन आप लगातार हाईवे में देख सकते हैं, हाईवे में भी यही हालत रहती है। कई जगह गौवंश हमें वहाँ पर घायल अवस्था मिलते रहते हैं, हाईवे में बहुत ज़्यादा जानवर बने रहते हैं। सरकार इसमें फिर क्या कर रही है, अगर आपको लग रहा है सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है? गौशालाएँ सरकार ने बहुत खुलवाई हैं गौशालाएँ, अब जी लोगों की जिम्मेदारी अगर वो नहीं रख पा रहे तो गौशालाओं तक तो पहुँचाएं ना गौवंशों को। कई गौशालाएँ तो ऐसी हैं जिनमें कि वहाँ कोई कर्मचारी नियुक्त नहीं, सिर्फ वो खड़ी कर दी गई बिल्डिंग है, लेकिन वहाँ पर तो कोई जानवर के नाम पर वहाँ कुछ है ही नहीं। फिलहाल अभी तो हम लोगों को तो ऐसा कभी देखने को नहीं मिला है, लेकिन ऐसा कोई है तो उस पर सरकार संज्ञान जरूर लेती है और लेगी अगर ऐसा कहीं है। अच्छा, अभी जो बच्चा जानवर का घायल हुआ है इसको लेकर अभी डॉक्टर टीम आई हुई है, क्या उसमें डॉक्टर लोग क्या कर रहे हैं? घायल पड़ा हुआ था, सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे और डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर द्वारा उसका इलाज किया जा रहा है। उसको हमारे यहाँ के जो भी युवा हैं इस नगर के, उसका बहुत ख्याल रख रहे हैं बस स्टाफ पे, लेकिन ये हम लोग जिम्मेदारी के देखकर गाड़ी चलाएं ना, उनके भी जीवों के प्रति दया रखें और सहानुभूति रखें, ये हमारा।